का चही बासके बहंगिया बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया दौरा के करा के जाए। छठ है उसको महापर्व कहा जाता है और ये 3 दिन का कठिन व्रत होता है, तो बिहार के लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है छठ से। मेरे लिए छठ जो है वो गीत के साथ साथ ठेकुआ के बिना भी अधूरा है। छठ कोई वो वैसे नहीं देखते हैं, छठ सीधे उनकी आत्मा का सवाल है, तो इसलिए कहते हैं नौकरी जाए भाड़ में हम तो जाएंगे छठ पूजा करने। मम्मी ने वो जो मीठा ठेकुआ होता था वो पटनी पे चढ़ा के रख देती थी। छठ आया नहीं, खुशबू आनी शुरू हुई, 12-1 बजे रात को बड़ी ठेकुआ छनाए लगल, लेकिन सुबह जब जगते थे तो पटनी पे ही मिलता था और 2 दिन बाद ही खाने को मिलता था। तो बिहार का सबसे मशहूर त्यौहार छठ पूजा आ रहा है। छठ पूजा बिना गीत गानों के तो हमेशा से ही अधूरा रहता है, तो उसी से जुड़ा आज हमारे साथ जो है वो नेहा सिंह राठौर है, जो काफ़ी फेमस फोक सिंगर है। तो नेहा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठ पूजा और गीत का जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एबीपी अनकट देख रहे सारे दर्शकों को नेहा सिंह राठौर का प्रणाम और छठ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने कहा कि छठ जो है वो गीतों के बिना अधूरा है, बिल्कुल। मेरे लिए व्यक्तिगत अगर मैं बोलूं तो मेरे लिए छठ जो है वो गीत के साथ साथ ठेकुआ के बिना भी अधूरा है, क्योंकि गीत तो फिर भी एक बार मैं समझौता कर लूंगी कि कोई बात नहीं, बट ठेकुआ तो मेरे को मिलना चाहिए। ठेकुआ पुरुकिया के बिना तो छठ वैसे ही संपन्न नहीं हो सकता है। छठ के गीत से मुझे याद आया, मैं गीत सुनाती हूँ जो मेरी मम्मी गाती है, और जो पूरे क्या बोलते हैं जहाँ कहीं भी ये छठ होता है ये गाना बजता ही बजता है। कोई गाना बजे ना बजे, लेकिन कांचे ही बांस के बहंगिया के बिना तो पूरा छठ अधूरा है, बस हो जाए उसी के। हाँ, मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ, सुनाती हूँ। कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। कांचे ही बासके बहंगिया बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया दौरा के करा के जाए। बहंगी के करा के जाए। तू तो हौवे अन्हरा बटोहिया दौरा छठी माई के जाए। बहंगी छठी माई के जाए। कांचे ही बासके बहंगिया बहंगी लचकत जाए। बहंगी लचकत जाए। बहुत खूब। तो नेहा, मेरा आपसे एक सवाल है, दिल्ली के जो लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता, उनका ये कहना है कि अगर किसी बिहार के लोग से अगर पूछा जाए कि तुमको छठ की छुट्टी चाहिए या फिर नौकरी, तो वो छठ की छुट्टी चुनेंगे। तो उनको समझ में नहीं आता कि बिहार लोग का जो छठ पूजा से जुड़ाव है वो इतना ज़्यादा क्यों है, कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सारा जो पर्व है वो पर्व है, चाहे वो तीज हो, जीवतिया हो, एक दिन का व्रत होता है। जो छठ है उसको महापर्व कहा जाता है और ये 3 दिन का कठिन व्रत होता है, तो बिहार के लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है छठ से। छठ कोई वो वैसे नहीं देखते हैं, छठ सीधे उनकी आत्मा का सवाल है, तो इसलिए कहते हैं नौकरी जाए भाड़ में हम तो जाएंगे छठ पूजा करने। मुझे छठ से जुड़ी अपनी कोई ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी रही होगी, अभी कुछ ऐसा कुछ बताइए। बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। छठ में मैंने छठ का प्रसाद जूठा कर दिया था, ठेकुआ जो कि बड़ी साफ सफाई से बनता है ना, तो मैंने उसको जूठा कर दिया था। इसके बाद मुझे डांट पड़ी थी और मम्मी ने वो पूरा छठ का प्रसाद उठा करके साइड कर दिया था और वापस से फिर वही मील में चाहे वो जाता में जैसे पीस करके दोबारा से ठेकुआ बना था। तब मुझे महत्ता समझ में आई थी कि छठ ऐसा, पर मैं छोटी सी थी ना, लोग कितना भी डांटते बोलते, मैं जाकर कैसे जहाँ पे गेहूं पसारा गया है जाकर के हम लोग जूठा कर देते थे, ढांग देते थे, चढ़ जाते थे, मम्मी लोग कितना भी मना करें, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी मम्मी बीमार थी और वापस से उसको साइड करके, क्योंकि उसको बांटा जाएगा वो चढ़ेगा नहीं, दोबारा से जब बनाया तो मुझे लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, तो ये मैंने किया था। इससे जुड़ा एक स्टोरी मैं भी बताना चाहूँगी कि मेरे जब भैया थे वो 2 साल के होंगे, तो जब ठेकुआ वगैरह बनता है तो चीनी वगैरह गिर जाता है ना, तो वो आए और उन्होंने गलती से क्या किया, चीनी उठा के मुंह में ले लिया, जूठा ही कर दिया उसको। तो उसको लेकर उनसे जो है
वो उसके बाद पूरा का पूरा प्रसाद जो है वो वहाँ से हटा दिया गया, उसको दोबारा बनाया, तो लोगों के जो सेंटिमेंट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा। वही तो मैं आपको बता रही, जब मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो ठंड के दिनों में थोड़ी सी बीमार भी हैं, 3 दिन का व्रत भी कर रही हैं, इसके बाद फिर से मैंने देखा 12 बजे रात के उठ के वो आटा गूंथ रही हैं, वो ठेकुआ वाला छान रही हैं, रो भी रही थी इस बात से कि मेरे बच्चे बड़े उदंड है, क्योंकि मैं और मेरा भाई और ये सब बड़े उदंड थे। मम्मी ना वो जो मीठा ठेकुआ होता था वो पटनी पर चढ़ा के रख देती थी, सही मैं बता रही हूँ, रात को ही बनता था। हम लोग के जो मिट्टी का होता है ना, कोठी वगैरह होता है, कोठी के ऊपर रख देते थे ताकि बच्चे, क्योंकि 5-5 फीट हाँ बच्चे चढ़ ना पाए, तो ये सारी चीज़ें होती थी। हम लोग थे भी बड़े उत्पाती, छठ आया नहीं, खुशबू आनी शुरू हुई नहीं, 12-1 बजे रात को बड़ी ठेकुआ छनाए लगल, लेकिन सुबह जब जगते थे तो पटनी पे ही मिलता था और 2 दिन बाद ही खाने को मिलता था। और जब से मैंने ये कांड किया था मम्मी ने तो प्रॉपर ही ध्यान रखना शुरू कर दिया था। जी कनकट को थोड़ा सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एकदम चौचक कंटेंट मिलता है उनको, तो ज़रा वो सब्सक्राइब कर ले। हाँ तो ABP अनकट देख रहे सारे दर्शकों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा एंटरटेनमेंट वगैरह से रिलेटेड वीडियोज़ देखें।